दिशा केस में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिशा की फाइल दोबारा खुल चुकी है और सरकार ने इस केस में नई SIT भी बिठा दी है, जो बेहद गोपनीय तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस जांच में जुट चुकी है। और बताया जा रहा है कि अब ये SIT दिशा के उसी मलाड वाले फ्लैट में जाकर 8 जून को फिर से दोहराएगी। जी हाँ, 8 जून के दिन दिशा के साथ जो कुछ हुआ वो दिशा के इस मलाड वाले फ्लैट में फिर से दोहराया जाएगा, जिससे कि फाइनली दिशा के साथ हुए कांड की सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके। तो आखिर कैसे दोहराया जाएगा 8 जून, क्या क्या है तैयारी, और अगर इस रिक्रिएशन में ये साबित हो जाता है कि दिशा खुद उस 14वीं मंजिल से नहीं कूदी थी बल्कि उसे धक्का देकर गिराया गया था, तो आगे क्या हो सकता है एक्शन, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने। तो इस बार दिशा खुद लौट रही है 8 जून का सच बताने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि नई SIT दिशा के साथ हुए 8 जून को हुए हादसे को उसी मलाड वाले फ्लैट में जाकर रिक्रिएट करने जा रही है। 8 जून की रात उस फ्लैट में जिस तरह का माहौल था, जो लोग उस पार्टी में शामिल थे वही लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, बिल्कुल उसी तरह का सीन रिक्रिएट किया जाएगा और दिशा की ही हाइट और वेट के डमी के साथ ये पूरा सीन दोहराया जाएगा। सीन को बिल्कुल उसी हिसाब से दोहराया जाएगा जैसा कि दिशा केस में सामने आता रहा है कि दिशा ने खुद 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान ली, तो पुलिस इसी बात को तथ्य मानते हुए दिशा के डमी को गिराएगी। और ऐसा करने पर जिस जगह दिशा गिरती है, जिस तरह गिरती है, जिस तरह की चोटें उसकी बॉडी पर पाई गई थी, वो सारी बातें ध्यान में रखते हुए ये तय किया जाएगा कि क्या खुद 14वीं मंजिल से कूदने पर ठीक उसी तरह के निशान उस डमी पर आते हैं, उतनी ही दूरी पर जाकर वो डमी गिरता है जिस जगह दिशा मिली थी। और अगर इस रिक्रिएशन में कहीं पर भी ये तय हो जाता है कि खुद से कूदने पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो भी कुछ दिशा के साथ हुआ था, तो ऐसे में ये SIT इस बात पर मोहर लगा देगी कि दिशा के साथ वाकई में उस रात गलत हुआ, दरिंदगी हुई, दिशा खुद नहीं कूदी बल्कि उसे धक्का मारकर 14वीं मंजिल से गिराया गया। और फिर दिशा का ये केस यू टर्न लेते हुए मर्डर केस बन जाएगा और आगे इसी एंगल से जांच होगी, और फिर दिशा केस के सारे संदिग्ध एक बार फिर रडार पर आ जाएंगे और SIT उन सभी लोगों से कड़ाई से पूछताछ करेगी जो भी उस पार्टी में शामिल थे या जिन पर भी शक की सुई मंडरा रही है। तो ऐसे में पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार ये SIT दिशा केस की तह तक पहुंच कर रहेगी, और एक बार दिशा केस में कोई ठोस सबूत मिल गया, ये तय हो गया कि वाकई दिशा को 14वीं मंजिल से गिराया गया था, न कि वह खुद कूदी थी, तो सुशांत का सच सामने आने में भी देर नहीं लगेगी और एक साथ इन दोनों ही मासूमों के गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे, एक साथ इन दोनों ही मासूमों को इंसाफ मिल पाएगा। तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है दोस्तों कि दिशा केस में होने जा रहा ये रिक्रिएशन इस जांच में बहुत अहम साबित होगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या आपको भी लगता है कि इस बार दिशा को इंसाफ मिलने के बाद ही ये फाइल बंद होगी, क्या ये SIT दिशा केस की तह तक पहुंच पाएगी, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एक बार फिर बेबी पेंगुइन को लेकर खबर निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस बार सुशांत दिशा मामले में बेबी पेंगुइन खुद बोला है और ऐसा कुछ बोला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिशा मामले में नई SIT जांच में जुट गई है, जिसके चलते सुशांत दिशा के सारे गुनहगार एक बार फिर जांच के दायरे में आने वाले हैं, और इसी वजह से उस बड़े मंत्री के बेटे की चर्चा भी गर्माती जा रही है। सबसे ज्यादा वो घबराया नजर आ रहा है, डरा सहमा नजर आ रहा है, और खुद ही सुशांत दिशा मामले में अपनी सफाई देने पर उतारू हो चुका है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने इस बार कुछ ऐसा बताया है जिसे सुनकर आप खुद फैसला करिए कि क्या वो सच बोल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या बोला है बेबी पेंगुइन, क्या आप उस पर यकीन कर पा रहे हैं, और अगर उसकी ये बात झूठी साबित होती है तो क्या हो सकता है इसका अंजाम, आपको दिखाते हैं बताते हैं सब। आप भी सुशांत दिशा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें, चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मुहिम का हिस्सा बने। तो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ने हाल ही में दिशा सालियान की मौत के मामले में SIT जांच बिठाई है। दिशा सुशांत की पूर्व मैनेजर थी, सुशांत के निधन के कुछ ही दिन पहले उसकी भी मौत हो गई थी। अब 3.5 साल बाद ये मामला फिर से चर्चा में आया है। दरअसल BJP और एकनाथ शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने दिशा की मौत में आदित्य ठाकरे के इन्वॉल्वमेंट का दावा किया है,
जब से दिशा की फाइल दोबारा खुली है तब से ही महाराष्ट्र में भूचाल सा आ गए हैं। वो सारे गुनहगार डरे घबराए नजर आ रहे हैं जो दिशा सुशांत के केस में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में जो शख्स सबसे ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बेबी पेंगुइन ही है, जो अब तक ओहदे और रुपए की वजह से जांच के दायरे से बाहर रहा है। लेकिन अब जब जांच अधिकारी ने साफ कर दिया कि इस पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर संदेह जाता है, उस हर शख्स को जांच के लिए बुलाया जाएगा और कुछ भी संदिग्ध पाए जाने पर तत्कालीन उस पर एक्शन भी होगा, तो ऐसे में आदित्य ठाकरे बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। उन्हें जांच के लिए बुलाया जाता उससे पहले ही वो खुद ही अपनी सफाई देने मैदान में उतर आए हैं और उनसे कोई सवाल करे उससे पहले ही वो अपने जवाब सामने रख रहे हैं। और इस बार उन्होंने बताया कि जिस वक्त दिशा के साथ वो सब हो रहा था उस पार्टी में, तब वो कहाँ थी, क्या कर रहे थे। तो इस मामले में आदित्य ठाकरे का कहना है कि जब दिशा की मौत हुई थी उस वक्त वो अपने नाना को देखने हॉस्पिटल गए थे। आदित्य ने कहा कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद थे। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उनका इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए आदित्य ने आगे कहा, ये जो अपने घर और पार्टी के नहीं हुए तो ऐसे व्यक्तियों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जो लोग भी ये सब बातें कर रहे हैं वो सीएम एकनाथ शिंदे के भूमि घोटाले से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। दरअसल सांसद राहुल शेवाला और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सुशांत और दिशा की मौत में आदित्य ठाकरे का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है, क्योंकि जांच के दौरान कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने किसी एयू शख्स को 44 बार कॉल किया था। सुशांत की मौत की जांच में सहयोग करने आई बिहार पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि जिस एयू को रिया ने 44 कॉल किए थे वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य उद्धव ठाकरे थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिस एयू को रिया ने 44 कॉल किए थे वो आदित्य उद्धव ठाकरे ही थे या फिर कोई और? और अगर ये 44 कॉल आदित्य ठाकरे को ही किए गए थे तो क्या आदित्य ठाकरे की ये सफाई विश्वास करने योग्य है कि उनका इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? और रही बात उस वक्त आदित्य ठाकरे की हाजिरी की, तो हो सकता है कि वो वाकई में उस वक्त अपने नाना को देखने अस्पताल ही गए हों, लेकिन ये किसने कह दिया कि इस बात से वो बेगुनाह बेकसूर साबित होते हैं? अब ये तो हम सब समझते हैं कि ऐसा कोई भी काम करवाने के लिए खुद मास्टरमाइंड बॉस को क्राइम सीन पर जाने की जरूरत नहीं होती, उसका सारा काम छिपे तरीके से ऑर्डर्स पर हो सकता है। तो अपने पक्ष में वो जो सफाई दे रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर एयू आदित्य ठाकरे ही हैं तो ये निश्चित है कि इस केस में आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट है। और फैंस भी टाइम टू टाइम कई ऐसे सपूत सामने रख चुके हैं जो ये चीख चीख कर बताते रहे कि सुशांत दिशा केस से आदित्य ठाकरे का बड़ा कनेक्शन है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है दोस्तों? अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें।